हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। सो क्या है कि यूजुअल लाइफ में कभी ना कभी हम लोग किसी से पैसा उधारी लेते हैं, तो अगर हम लोग पैसा किसी दूसरे सेकंड पर्सन से उधार में ले रहे हैं तो हमें उस पर्सन को जो पैसा चुकाना होता है वो सिंपल इंटरेस्ट में चुकाना होता है। अगर वही पैसा अगर हम लोग दूसरे पर्सन से ना लेके अगर हम लोग बैंक से लेते हैं तो बैंक को हमें कंपाउंड इंटरेस्ट देना होता है। तो आज मेरा एक वीडियो का जरिए मैं आपको दोनों चीज़ सिखाने वाला हूँ कि कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट को इजी वे में निकाला जाता है और कैसे सिंपल इंटरेस्ट को इजी वे में निकाला जाता है। सो आपको याद रखना है कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है उसको निकालने का फॉर्मूला होता है पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100, मतलब प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाई 100। इस फॉर्मूला के जरिए आप सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हो। और अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। ये फॉर्मूला है टी इंटू 1+R/100 power T। इस फॉर्मूला के जरिए आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। आप दोनों फार्मूला को याद रखिएगा। अब हम उदाहरण के तौर पे एक नंबर्स ले लेते हैं और हम कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों निकालने का ट्राई करते हैं। हम मान लेते हैं कि हमने किसी से पैसा उधार लिया, तो हम जो पैसा उधार लेंगे उसे प्रिंसिपल बोला जाता है। हम मान लेते हैं कि हमने किसी से 10,000 रुपीज़ उधार पे लिया और हमारा जो रेट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 10% है और हमें जो टाइम दिया गया है पैसा रिटर्न करने का वो 2 ईयर्स है। अब आपको आप अगर किसी से 10,000 रुपीज़ लेते हैं 10% इंटरेस्ट में, तो 2 साल बाद आपको कितना सिंपल इंटरेस्ट चुकाना होगा उसे कैसे निकालोगे? तो सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला था वो था SI P इंटू आर इंटू टी बाय 100। इस फॉर्मूला के जरिए आपको निकालना होगा। तो हम क्या करेंगे, P के जगह पे प्रिंसिपल ले लेंगे जो हमारा 10,000 है, R की जगह पे हम लोग रेट ले लेंगे जो कितना है 10 है, और जो टाइम है वो हमारा कितना है 2 है, हम 2 ले लेंगे, और जो हमारा नीचे आ जाएगा वो आ जाएगा बाई 100 आ जाएगा। अब आप जीरोस को जीरोस के साथ कटिंग कीजिए तो आपको ऊपर के साइड में मिल गया 100 × 10 × 2। आप इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 100 × 10 आपका बन जाएगा 1000, 1000 × 2 आपका बन जाएगा 2000। दैट मीन्स अगर आप किसी से 10,000 रुपीज़ ले रहे हैं 10% का इंटरेस्ट में, तो 2 साल बाद आपको उन्हें जो पैसा रिटर्न करना होगा वो कितना होगा, आपको कितना इंटरेस्ट देना होगा वो है 2000 रुपीज़ आपको उन्हें इंटरेस्ट देना होगा। अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल के देखते हैं सेम चीज़ को। तो इसे याद रखिएगा कि सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला आपको, 2000 रुपीज़ मिला। अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते तो कितना मिलता है चेक करते हैं। चलिए, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला था वो था अमाउंट इक्वल पी इंटू 1+R/100 power T। अब पी मतलब प्रिंसिपल, प्रिंसिपल की जगह पे हम लोग ले लेंगे 10,000 × 1+R मतलब हमारा जो है 10/100 और जो टाइम है वो हमारा कितना है 2 ईयर्स, तो हम यहाँ पे ले लेंगे 2। अब इसे सॉल्व करते हैं तो 10,000 के लिए हमें 10,000 लिखना होगा और इस जगह पे आपको क्या करना है, 100 के लिए 100 लिखिए। अब आप क्या कीजिए, 100 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, 100 × 1 आपका बन जाएगा 100, फिर प्लस 10 कर दीजिए तो आपका बन जाएगा 110 और जो ऊपर में है वो आपका कितना है 2 है। अब यहाँ से आपको क्या करना है, आप 10,000 के लिए 10,000 को लिखिए इंटू, आप देखिए यहाँ पे पावर 2 है, मतलब ये जो फ्रैक्शन है इसे आपको 2 बार लिखना है। अगर पावर 3 रहता तो आपको 3 टाइम लिखना होता, मतलब जितना पावर है उतना टाइम्स आपको मल्टीप्लाई देके इसको लिखना है। अब आप क्या कीजिए, जीरोस को जीरोस के साथ कटिंग कीजिए, फिर जीरो को जीरो के साथ, फिर जीरो को जीरो से कटिंग कीजिए, फिर जीरो को जीरो से कटिंग कीजिए, तो आपका जो लास्ट में बच गया वो बच गया 1 × 110 × 110। ये आपके पास बच गया। अब ये जो नंबर्स बचा है आपके पास 1 × 110 × 110, इसे आप कहीं पर मल्टीप्लाई करके देखिए आपको कितना मिलने वाला है। तो अगर हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिल जाएगा 12,100 मिल जाएगा। अब आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो आप क्या कीजिए, ये वाला फॉर्मूला यूज़ कीजिए, CI = A - P कर दीजिए। इसका मतलब क्या होता है कि ये जो 12,100 मिला है इसे आप प्रिंसिपल अमाउंट के साथ माइनस कर दीजिए, तो हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट था वो कितना था, 10,000 था। अब इसे हम माइनस कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा 2,100 रुपीज़ मिल जाएगा, 100 रुपीज़ मिल जाएगा। दैट मीन्स
अगर आप, मैंने जो बताया था जितना प्रिंसिपल, जितना रेट, जितना टाइम मैंने बताया था, अगर आप उतना पैसा किसी से लेते हैं और आपको सिंपल इंटरेस्ट देना है तो आपको 2000 रुपीज़ देना है, आपको देना है 2000 रुपीज़। लेकिन वही पैसा को आपको अगर कंपाउंड इंटरेस्ट देना है तो आपको उनको 100 रुपया ज़्यादा देना पड़ेगा, 2100 रुपीज़ ज़्यादा देना पड़ेगा। इसीलिए पैसा लेते वक्त आप हमेशा केयरफुली रहिएगा कि आपको पैसा कैसे चुकाना है, सिंपल इंटरेस्ट में चुकाना है या कंपाउंड इंटरेस्ट में चुकाना है। तो आप हमेशा सिंपल इंटरेस्ट में चुकाने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में जो रिटर्न करना होता है वो हमेशा कम होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आप समझ गए होंगे कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों को कैसे निकाला जाता है। थैंक यू वेरी मच।